रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में मल्टीनेशनल कंपनियां और बड़े बड़े औद्योगिक घराने निवेश के लिए आगे आए हैं। वहीं लघु और कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कॉन्क्लेव में स्थानीय उत्पादों पर प्रदर्शनी लगाई गई। चंदेरी की साड़ी, ग्वालियर के कालीन उद्योग द्वारा स्टॉल लगाया गया। प्रदर्शनी में क्या प्रदर्शित किया गया है, ये जानने की कोशिश की हमारे ग्वालियर संवाददाता जावेद खान ने। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के साथ साथ यहाँ पर जो देखने को माहौल मिल रहा है उसमें बड़े बड़े उद्योग और मल्टीनेशनल कंपनी आ रही हैं, लेकिन साथ में कुटीर उद्योग यानी पर ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के साथ साथ जो छोटे बड़े उद्योगों के साथ साथ एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। आप देख सकते हैं कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा यहाँ संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम मर्यादित ग्वालियर द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि यहाँ के परंपरागत उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास किया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो हैंडलूम के लिए जो चंदेरी का जो उद्योग है उसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरी प्रोसेस जैसे कि मैनुअल होती है और इंसान के द्वारा यहाँ पर लगातार ये जो बीविंग और कताई का काम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अद्भुत है। देखने को मिल रहा है कि आप देख सकते हैं कि जो वो तकनीकी कौशल है वो पूरा काम हाथ से और मशीनों की बजाय हाथों से हो रहा है। और जो चंदेरी का जो उद्योग है, साड़ी है और जो जो चीज़ें बनती हैं रंग बिरंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है अभी जो ग्वालियर का जो लोगो बनाया गया है उसमें ग्वालियर का जो किला है उसको भी हाथ से कता गया है और जो वो भी एक साड़ी पर एक दुपट्टे पर बनाया गया है। ये चंदेरी का उद्योग आप किस तरीके से काम करते हो, क्या इसका बढ़ावा है? इसका बढ़ावा ये है कि साहब ये हैंडलूम का काम है और ये तो वर्ल्ड फेमस चंदेरी साड़ी काम है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसमें चंदेरी में चंदेरी साड़ी बनती है, फैब्रिक है, स्टॉल है, लहंगे हैं, दुपट्टे हैं, स्टॉल हैं, ये सारी चीज़ चंदेरी में बनती हैं। और ये हमारा कपड़ा जो है प्राकृतिक है, इसका जो सिल्क है वो भी प्राकृतिक है, बाकी कॉटन से बनता है वो भी प्राकृतिक है, तो इसका बॉडी के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये वर्ल्ड फेमस चीज़ हमारी है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि दूसरा इसी तरह का ग्वालियर का जो उद्योग है उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो कारपेट उद्योग को एक माना जाता है, यहाँ कारपेट की वीविंग हो रही है। यार आप जो कालीन बना रहे हैं उसको एक कालीन के क्या क्या साइज होते हैं और कौन सी डिमांड ज़्यादा रहती है? सबसे जैसे बड़े साइज होते हैं ना उनकी डिमांड ज़्यादा है, 6, 9, 8, 10, 9, 12 जो तो एक मतलब सैंपल के तौर पे माए इसको दिखाने। तो आप देख सकते हैं जो ग्वालियर का कालीन उद्योग है उस कालीन उद्योग के साथ साथ आप ये आप देख सकते हैं कि जो लगातार जो कालीन हैं जो बन रहे हैं और ग्वालियर का कालीन उद्योग एक अपने आप में विरासत रखता था, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ग्वालियर का कालीन बनता था, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो इसका प्रचार प्रसार ना होने की वजह से जो दूसरे राज्यों के कालीन हैं वो आगे बढ़ गए हैं और ग्वालियर का कालीन उद्योग अभी भी अपनी डिमांड के लिए मांग और पहचान के लिए अपनी डिमांड कर रहा है। इस इन्वेस्टर मीट और कॉन्क्लेव से उम्मीद जाहिर हुई है कि इस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS News, ग्वालियर।